घमंड में है, अहंकार में है हाँ, बाबू, किस चीज का अहंकार, है किस चीज का अहंकार? उस नौकरी हो गया है ना, अच्छा, और शादी शादी के से पहले पहले नौकरी नौकरी नहीं नहीं, था? शादी के पहले नौकरी नहीं था। आप लोग पढ़ाए लिखाए उनको? नहीं, पढ़ी लिखी थी, 12वीं पास थी। हाँ शादी उसको हम जब किए हाँ तो उसे तो दहेज भी नहीं लिया मैं। मारपीट नहीं, इनको मारा गया था, मैं इनका सेटिंग अरे पूछते हैं तब जवाब दो। हाँ। जी उसके उसके बाद जो है हाँ हमसे करीब शादी 21 में हुआ, 26 तारीख हाँ हाँ को हम लड़की लड़की आपको मारी? हाँ। अच्छा, इतनी दुष्ट लड़की। अब जो है सो सामने है। उसके बाद जो है उसका भाई उधर से कूद करके इधर आया, समझे ना, दीवार से कूद करके। अच्छा, और उसके बाद फिर बैठ गए, इधर ताला लगवा दिए, और फिर उसके बाद हम उधर बैठ बैठ गए। हल्ला वल्ला बहुत, मोहल्ला के ढेर लोग जुट गए, ये लोग भी आ गए। हाँ हाँ, मारपीट विशेष नहीं ना हुई थी? विशेष मारपीट कर दी थी, वही मार दिया। लड़की हाथ चला रही है ना, यानी तमस में लड़की आई थी। ठीक है, और कुछ यहाँ पर नहीं ना ऐसा कुछ भी? नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं संगठन के माध्यम से, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा कहना है मैडम कि बार बार वो जो आकर के हमको गाली गलौज उल्टा सीधा बोलती है, हाँ। उसको तो छुटकारा मिलना चाहिए ना हमको। अब उस छुटकारा का जहाँ पर सवाल, मतलब आपका कहना है कि मतलब मारपीट करती है कोई भी स्त्री, हम तो शादी जो हम यदि वो पिता समान अपने ससुर पर हाथ चला देती है तो कहीं भी बिल्कुल अनैतिक लड़की है, और ऐसी लड़की के लिए तो कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि आप एक दिन उस चीज को बर्दाश्त करिए, प्रतिदिन आप कैसे बर्दाश्त करिए? हमारी उम्र तो देख रहे हैं, हम तो रोटी के लिए उसकी क्या शादी किया था। वजह क्या था इसे आई मारपीट करने लगे? अरे वो जो है इसे घमंड में, अहंकार में है। हाँ बाबू, किस चीज का अहंकार, किस चीज का अहंकार? उस नौकरी हो गया है ना। अच्छा, और शादी से पहले नौकरी नहीं था? शादी के पहले नौकरी नहीं था। आप लोग पढ़ाए लिखाए उनको? नहीं, पढ़ी लिखी थी, 12वीं पास थी। हाँ। शादी उसको हम जब किए, हाँ, तो उसे तो दहेज भी नहीं लिया मैं। मारपीट नहीं, इनको मारा गया था, मैं इनका सेटिंग। अरे पूछते हैं तब जवाब दो। जी उसके उसके बाद जो है, हाँ, हमसे करीब शादी 21 में हुआ, 26 तारीख हाँ हाँ। हम उससे दहेज तो लिया नहीं, जो दिया नहीं दिया, जिससे हमको बहुत खुश था, हमको कोई प्रॉब्लम होता ही। हाँ। उसके बाद चार दो तीन दिन रही, दो तीन दिन के बाद चली गई। हाँ। 3 दिन के बाद जो है से फिर जो है गंगा दशहरा जो होता है ना, गंगा दशहरा के फिर उसको लाए, लाने के बाद 1 महीना रही। 1 महीना रहने के बाद जो है इसी बीच में जो है एक दिन मारी ऊपर, यू लोग नीचे रहता था, ऊपर ऊपर में रहने लगे। ऊपर रहने के बाद जो है हमारी कुछ माथा तबीयत खराब हो गया, मेरा तबीयत खराब हो गया, तो हम नीचे उतरे और सौरभ को बोले कि सौरभ मेरा माथा दर्द कर रहा है। अच्छा। से थोड़ा सा माथा, सौरभ कौन हुए, उनके पति? नहीं, हाँ उसका पति। हाँ। तो उसके बाद हम थोड़ा माथा में तेल लगा दो। हाँ। और जो है से हम उके वाड़ी बंद करके सूत गए। अब वो जो है ऐसे फोन करके बाप को बोला कि हमको जहर दे दिए हैं, जहर देंगे, ये है वो है, मैंने उल्टा सीधा लगा करके कबाड़ी खटखटाया, खोले और वीडियो कर ले करके कान में, और जो है से वीडियो करना शुरू कर दिया बाप को। उसका बाप हमसे 10 को क्वेश्चन किया, अरे एक आध तरह गाली देते हुए बोला, अरे 10 को क्वेश्चन, तुम पैसा तिलक मांगा का है, अरे जितना मांगता उतना हम तिलक देंगे देंगे। हम कान में अंगुली का है डाल, हम कुछ नहीं जवाब दिया, हम कि अभी हम मैं बात नहीं करूंगा इस कंडीशन में। वो अपना पूरा कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, कभी इधर करे उधर, खूब अपने बाप को खूब गाली दे, इसका मुंह में दही जमा हुआ है, बात नहीं करेगा, चंडाल है, चंडाली चंडाल है, चंडाल घर शादी कर दिए दिए, ये सब बातें लड़की बोल रही थी। हाँ, लड़की बोल रही है मैडम। अच्छा, उसके बाद जो है से बाबू हमने सोचा कि दहेज प्रथा के प्रॉब्लम यहाँ रहेगी। इसी बीच में एक दिन के बाद जो है से उसको मैं गोड़ तक पड़ा, हाथ भी केवाड़े खोल गोड़ लड़की का कि तुम शांत हो जाओ, भाली काहे ना इसे नौटंकी करने के। दूसरे दिन सवेरे उसका जो शादी कराया था, उसको बहन ने फुफेरी हुआ के शादी करा, शादी कराने के बाद जो है से वो आया, समझा बुझा के चला गया। दो दिन के बाद हम जो है वाइफ को बोला, मेरे को मन नहीं लग रहा था बाबू, जो टेंशन लिए हुए थे। दो तीन दिन के बाद जो है से टेंशन में था से हम बहन को फोन किया जहानाबाद,
हमकी कहाँ है, हमकी जहानाबाद है। तो फिर उसके बाद हमारी भागिनी फोन किया दिल्ली से, बोला कहा जरूरी है मामू, हमकी हमारा नाम मन लगी थे बेटा से, हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे से रिजर्वेशन करवा दे, अब मैया होती तो साथे चले चले। फिर उसने रिजर्वेशन करा दिया मेरा, उसको जाने के पहले हम यहाँ से दिल्ली चला गया। अच्छा। दिल्ली जाने के बाद जो है से उसके बाद जो है से दिल्ली के बाद जो है से हम 20-25 दिन रह गए दिल्ली में, बहन और भगनी हुई था। 25 दिन के बाद जो है से वो अपना 3-4 दिन के बाद जो का नाम है रक्षाबंधन था, 3-4 दिन बाद ही था तो रक्षाबंधन के वो अपना चली गई, सब गाना पाती सब समेट पमेट के सब चला गया। हाँ। लेकिन उसके बाद से हमसे उसको कभी बात नहीं हुआ, लड़की का लड़की से न उसके बाप चाहे उसके परिवार से किसी से हमको बात। फिर वो कब आई यहाँ? उसके बाद यहाँ नहीं आई, नहीं आई। उसके बाद जो है हमारी जो है वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई एक दिन। उसकी चचानी को बुला लाए, तबियत उठना बैठना मुश्किल था, तो इसमें चचानी रहती थी। अच्छा। हाँ। तो उसको बुला के मैं ला के चलो ना वाइफ की तबियत है, उठना बैठना दिक्कत हो रहा है। वाइफ वो अपने बड़े बड़े बोलता था, भैंसू रह लगते हैं, तो बड़े से बात की। बड़े से बात करने के बाद हम भी बोले हम कि वो उसको आने दो, यहाँ लाने के लिए है, हमारा दिक्कत तक कष्ट हो रहा है। कष्ट होने के बाद जो है सिर्फ दिक्कत हो। उसका बाप बोला कि हम किसी भी कीमत पर वहां नहीं जाने देंगे। तो हम भी चुपचाप है। उसके बाद से मेरा बातचीत नहीं हुआ। बातचीत नहीं होने के बाद फिर उसका बाबूजी हमारे यहाँ कार्तिक में आया, छठ के टाइम। किस लिए? नहीं कुछ चर्चा नहीं हुआ, सौरभ को लेकर के गया हूँ। अच्छा, वहाँ गए लेकर के? अच्छा। छठ के दिवाली के पहले दो दिन वो लेके चला गया। ले जाने के बाद जो है से वहाँ उसको बहुत टॉर्चरिंग किया सौरभ को। हाँ। 12-14 दिन रख करके। हाँ। 12-14 दिन को टच के बाद वो आया, आने के बाद होने लगा फुट फुट के। तो हम की का करोगे, हम ठीक है उसको हम गया भेज दिया, वो जो है गया भेज दिया कोचिंग के लिए, बात समझे ना। अच्छा। गया कोचिंग में भेज दिया, कोचिंग में वही पढ़ने लगा। उसके बाद जो है उसका पिताजी और क्या ससुर से बात हुआ मेरे को नहीं पता हुआ। वो एक दिन आया बोला कि हमको ससुराल जाना है। उसके बाद कोचिंग के बाद दशहरा, जब नेक्स्ट दशहरा जब आया तो नेक्स्ट दशहरा में जो है से वो आया, हमको पता तो नहीं था बाबू। और वो अपना टैंकी संभारा और लेकर के चल दिया ससुराल। पहले 12 गया, 12 से उसका बाबूजी ससुराल भेज दिया। दशहरा था विजय दशमी के दिन सवेरे पहर जो है से हम मिठाई लेने के लिए, विजय दशमी को थोड़ा सा है हिंदू धर्म मानने के चलते मैं चला गया बाजार में। वाइफ की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो हम उधर थोड़ा नाश्ता कर दिया। ये सामने गुमटी है ना, गेट के सामने गुमटी है, वहाँ नाश्ता बनाता था, थोड़ा नाश्ता कर लिया। फिर मैंने क्या है आ गया है। तो आने के बाद जो है से हमने जो है से कुछ नहीं से बोला, हम की बिना बोले हुए चला गया था, तो हम तो कुछ बोले नहीं। इतने में वाइफ भी आ गई, होने से वो रोने लगा, वो मेरे को देह पर लूट करके रोने लगा, लपेट करके। फिर हमको जो है से उसी टेंशन में जो है से हम चले गए यहाँ, क्या नाम है बोहिया। वो जो शादी में आए थे अवधेश बाबू से थोड़ा पुरानी भी जान पहचान थी। अवधेश बाबू के यहाँ गया। अवधेश बाबू के यहाँ जब जाने के बाद तो घर में रहते हुए नहीं निकले, अवधेश बाबू घर में ही थे, लेकिन उनकी पत्नी बोल दिया कि यहाँ नहीं है, कहीं बीमारी उमारी में चले गए हैं। तो उसके बाद जो है से हम वहां से आया, आने के बाद जो है से हम चले गए उसके चचा के यहाँ, लड़की के। अच्छा ठीक है, अभी 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 जो मार हुआ लड़की आके आपसे मारपीट की थी? हाँ, हमने से मारपीट। क्यों वो यहाँ क्यों आई थी, क्या कारण? कोई कारण नहीं, हमसे कोई बातचीत है ना, उसका किसी से कोई चर्चा है? कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा। वो डायरेक्ट घर पे आई, डायरेक्ट आया है गुस्सा, समझे ना। हाँ। तो पटाखे चढ़ा, कौन कौन थे साथ में है? लड़की के साथ पहले अकेले आई है। हाँ। बात लगा तो छिटकी भी लगा दिया है। अच्छा, ये छिटकी नहीं वाला, अच्छा मेन गेट वाला, ठीक। आवाते के साथ झगड़ा करना शुरू कर, वो अकेले आई थी छाती पर बैठ के,
वो अकेले आई थी, अकेले आई थी। हाँ पहले अकेले आई, फिर भाई उसका जो है ना उधर बाहर से कूद करके आया है उधर से। भाई का नाम क्या है? उसका नाम क्या नाम है? अतुल। अतुल। लड़की का नाम क्या है? अंशु। उर्वर्सी कितने भाई हैं बच्ची लड़की के? दो भाई है, एक छोटा है। तो ये छोटा भाई है, बड़ा 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 भाई ऐसे किया है। एक फुफेरा भाई सहवारा के है, उनसे आया है। और एक रात में काफी यहाँ पे हल्ला हंगामा 9 बजे रात का है ना। आप लोग अपने जान को बचाने के लिए अंदर से गेट लगा लिए।